भारत में रोज़ मिलने वाले कोरोना मरीज सिर्फ एक महीने में 6 गुना बढ़ गए हैं। 28 मई तक रोज़ मिलने वाले मरीजों का औसत सिर्फ 2498 था, अब यह 17,000 के पार हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से रोज़ होने वाली मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ा है, अभी रोज़ औसतन 20 मौतें ही हो रही हैं। सबसे ज़्यादा मौतें सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में ही दर्ज हो रही हैं, अन्य सभी राज्यों में रोज़ होने वाली मौतों का आंकड़ा शून्य है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मामले भी केरल और महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। 3,206 नए केस के साथ केरल फिर से टॉप पर पहुंच गया है। इधर तमिलनाडु में भी धीरे धीरे पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो वहीं दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा में भी नए संक्रमितों में तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार में अप डाउन लगा हुआ है, लेकिन बड़े राज्यों में संक्रमण की रफ्तार चिंता में डालने वाली है। सोमवार को कोरोना के 11,688 नए मामले सामने आए, 9,445 संक्रमित ठीक हुए, तो वहीं 27 मरीजों की मौत हुई। देश में रविवार के मुकाबले सोमवार को केस में 32% कमी आई, तो वहीं रविवार को 17,073 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 21 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी। पिछले 6 दिन में 100 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर तो यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़नी करीब थम गई है। सोमवार को देश में कुल 92,000 सक्रिय मरीज थे, तो वहीं 24 जून को यह संख्या 92,000 रही। इसका मुख्य कारण यह था कि कोरोना मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं, इस वजह से देश में कहीं भी अभी तक अस्पतालों में ज़्यादा दबाव नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।